बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे हैं आप लोग नादरीन इकराम? मैं हूं अब्दुल्ला इदरीस और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाहौरी जायके। तो भाई आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके हाजिर हो। आज हम लोग बनाएंगे हाफिज़ वालों का मुल्तानी सोन हलवा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जायके वाला बनता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो जो स्टेप इसमें बताए गए हैं वो सारे के सारे आप लोगों ने फॉलो करने हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि मुल्तानी सोन हलवा हाफिज़ वालों की जो रेसिपी है, मुल्तानी सोन हलवे की जो रेसिपी है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती है और उन चीज़ों को किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, वो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो आप लोग मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप बना लगे हाँ हाफिज़ वालों का मुल्तानी सोन हलवा। सही। ये पाना मैदा 10 किलो दुध, तकरीबन 1/2 किलो मैदा लाना है। सही सही हो गया, ठीक हो गया। 1/2 किलो मैदा हो गया। इनू कहंदे आ अंगूरी, इस करके कहंदे आ कि ये जेड़ी है ना मसलन उगाई जाती है पहले, कच्ची पक्की की जाती है। गंदम दी होंदी ना? गंदम दी होंदी है। गंदम दा दाना है ना? गंदम दा दाना, हाँ जी। ए देखो ए गंदम दा दाना, ये हरी हरी होंदी विचों, मसलन हरे पत्ते निकलते, इनू कहा जाता अंगूरी। सही। ए तकरीबन पाइया कलाउनी 10 लीटर दुध का, ठीक हो गया। एक पाइया अंगूरी ला देनी, ठीक हो गया। तो 1/2 किलो मैदा, 1/2 किलो मैदा इस मिक्स करके अच्छे तरीके इस मिक्स करना दुध पा के, बेच ना रोड़ी ना रवे, लम्स कहने गुटलियाँ ना रहना। हाँ जी, गुटली ना रवे। सही। अच्छे तरीके हल करके इस हाथ से इतना मिक्स हो जाता है। हाँ जी, ये अगर किसी होर शहर ना मिक्स करिए ना, ए देखो ए डली जी बेच है ना। हाँ जी, ए देखो डली जी, ए डली जी बेच नहीं रहनी चाहिए। सही। हाथ दे नाल ये मिक्स करने का तरीके कार। सही। तो ये मिक्स हो गया। सही। तो बाद अपना 10 लीटर दूध है जेड़ा वो बेच कर रहे हैं। सही। पाना फूड कलर हल्का जहा लाना है। सही। कि जेड़ा इंदा ना वो बन जाए कलर। सही। कलर बनाना इंदा जरूरी है क्योंकि जे चिट्टा रह जाए ना। हाँ जी। तो फिर उन्होंने कहा जाता ढोडा। अच्छा, ढोडा हलवा। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई ना टाटरी है। सही। इनका दाना बनाने वास्ते ना यह जरूरी है, मतलब दुध में पाड़न वास्ते ना। हाँ जी। सही। तो उस तो बाद समझ लो कि हाफिज़ वालों का स्पेशल मुल्तानी सोन, मुल्तानी सोन हलवा इनू कहा जाता है। सही, ठीक है ना। यह हैगा हाफिज़ वालों का बनता लाहौर च पै, लाहौर च बनता पै पर हैगा हाफिज़ वालों का मुल्तानी सोन हलवा। हाँ जी। भाई ने मैं उ तकरीबन कुछ 6 महीने काम करके आया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। सही है, दाना बन गया था। हाँ जी, दाना बन गया इसका। यह दाना जिमें जिमें टैट होएगा तो समझ लो इसका जायका बड़ा VIP बन जाएगा। सही। नाल नाल पकता रहेगा ना। हाँ जी। एडा मोटा दाना होना चाहिए, एडा मोटा। सही। डेढ़ डब्बा चीनी का है, 1.5 किलो मसलन। सही, ठीक हो गया ना। Thank you.
ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪਾਈ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਨ ਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਾਫੀ ਸੋਹਣ ਲੱਗਾ ਬਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਐਂਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਪੱਕਣਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਘੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲਾਇਆ ਗਲੂਕੋਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਵੇਂ 2-4 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਗਰਮ ਸੋਣ ਵਾਲਾ ਗਰਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗਰਮ ਦਾ ਇਸਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜ਼ਾਇਕਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕਰੋ।